टेक्स टिप्स के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अपस्टॉक्स ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं। हर एक फीचर के बारे में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपस्टॉक्स ऐप को ओपन कर लेता हूं। ऐप ओपन होते ही आपसे लॉगिन करने बोलेगा। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है अपस्टॉक्स में, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लिंक का यूज कर आप अपस्टॉक्स में बहुत ही आसानी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी लगेगी और जो पासवर्ड है आपको वो एंटर करना होगा और साइन इन के बटन पर टैप करना होगा। साइन इन पर टैप करते ही अगर आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है तो आपको आपके फिंगरप्रिंट सेंसर से आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा, या फिर उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है एंटर ईयर ऑफ बर्थ। अगर आप बर्थ ईयर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पर टैप कर दीजिए। मैं इस पर टैप करता हूँ तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी जहाँ आपको आपका बर्थ ईयर एंटर करना होगा। दोस्तों, सही बर्थ ईयर एंटर करते ही आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे अपस्टॉक्स ऐप में, और वहां पर सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट मिलेगी। मैं सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट के बारे में समझाता हूं, क्योंकि बिना वॉच लिस्ट के आप ना तो शेयर खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। तो टॉप में देखिए, यहाँ पर W1 लिखा है, एक वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट किया था जिसका नाम W1 है। इस पर ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, इस पर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का, और जो भी वॉच लिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट करने लगेगा, और उनके नाम के सामने डिलीट का बटन है या रिमूव का बटन है। रिमूव करना चाहते हैं तो टैप करके रिमूव कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल का आइकन है इस पर टैप करिए तो आप एडिट कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी एक वॉच लिस्ट रिमूव और एडिट करके दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर अपर सर्किट की एक वॉच लिस्ट है, इसको मैं सबसे पहले एडिट करता हूं अपर सर्किट, और यहां पर मैं ऐड कर देता हूं स्टॉक्स। जो भी चेंजेस है सेव करने के लिए सेव पर टैप करिए। मैं वापस आपको वॉच लिस्ट में ले चलता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं वॉच लिस्ट का नाम सक्सेसफुली चेंज हो चुका है अपर सर्किट स्टॉक्स में। अब इसी को मैं रिमूव करता हूं, तो रिमूव करने के लिए यहां पर ट्रैश का आइकन है, इस पर आप टैप करिए। आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, टिक मार्क पर टैप कर दीजिए। तो देखिए सक्सेसफुली रिमूव हो गया है और यहाँ पर आपको मैसेज आ गया है वॉच लिस्ट डिलीटेड। तो दोस्तों, इस तरह आप वॉच लिस्ट को एडिट और रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वॉच लिस्ट को किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। वापस मैं यहाँ वॉच लिस्ट पर टैप करता हूँ और यहाँ पर नए वॉच लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट है, इस पर टैप करिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पर टेक लिख देता हूँ और सेव पे टैप करता हूँ। यहाँ पर देखिए नया वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया है टेक नाम से, और वॉच लिस्ट में शेयर्स को ऐड करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर तीन आइकन है जिसमें सेकंड आइकन आप देख पा रहे हैं ऐड का है, इस पर आप टैप करिए। और यहाँ पर देखिए एंटर टेक्स्ट टू सर्च आया है, तो आप यहाँ पर जो भी शेयर ऐड करना चाहते हैं, मैं आपको समझाने के लिए इन्फोसिस ऐड कर देता हूँ, इन्फी लिखता हूँ तो इन्फोसिस आ गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर एक मेन्यू भी आ गया साथ में, जिसमें देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्टेड है, उसके बाद कैश है, उसके बाद एफएनडो है, उसके बाद करेंसी है, कमोडिटी है, उसके बाद इंडाइसेस है। तो मैं वापस आपको ऑल में ले चलता हूं। अगर आप इंडिविजुअली किसी एक कैटेगरी में देख रहे हैं तो आप मेन्यू का यूज कर सकते हैं। ऐड करने के लिए स्टॉक के सामने ऐड का बटन है, इस पर आप टैप करिए। मैं बैक ले चलता हूं तो आप ये देख पा रहे हैं स्टॉक ऐड हो चुका है यहाँ पर। इस तरह दोस्तों आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट को रिनेम कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मैं एक और वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर W1, और यहाँ पर देखिए दोस्तों सॉर्ट का आइकन है, इस पर मैं टैप करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे सॉर्ट करने के, A to Z, Z to A, प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, परसेंटेज चेंज लो टू हाई और परसेंटेज चेंज हाई टू लो। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर उस ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हैं। मैं प्राइस लो टू हाई सेलेक्ट कर लेता हूं, लो टू हाई के ऑर्डर में, प्राइस के ऑर्डर में स्टॉक्स अरेंज हो गए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह आप शेयर या स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं स्टॉक्स में। जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उस पर टैप करिए। यहाँ पर देखिए नीचे बाय सेल के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और टॉप में आपको करंट प्राइस मिल जाएगा, उसके बाद एक मेन्यू मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है ओवरव्यू, आप सारे डिटेल्स जान सकते हैं ओवरव्यू में, फिर चार्ट्स देख सकते हैं यहाँ से, फिर जो भी रिलेटेड न्यूज़ है उस शेयर से आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर ऑप्शन चेन का भी है यहाँ पर, फिर उसके बाद ऑर्डर्स है, पोर्टफोलियो है। इस तरह आप मेन्यू का यूज़ कर लगभग सारी जानकारी पा सकते हैं उस सेलेक्टेड शेयर के बारे में। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर और है अलर्ट का, यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड में अलार्म का एक आइकन, इस पर टैप करिए। टैप करते ही सेट अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप जो भी करंट प्राइस है वो दिखा रहा है, सेकंड में एंटर वैल्यू है, यहाँ पर आप जो भी प्राइस, जैसे मैं 190 करता हूँ आपको समझाने के लिए। और देखिए यहाँ पर एक अगला ऑप्शन है अलर्ट मी ग्रेटर देन इक्वल टू, उस पर टैप कर दीजिए लेस देन एंड इक्वल टू। तो एंटर वैल्यू में जो भी आपने प्राइस सेट किया है और यहाँ से आप अलर्ट मी में जो भी सेलेक्ट करते हैं, अगर इस उससे उसके बराबर या ज़्यादा है तो तब अलर्ट करें, या फिर
कम है या बराबर है तब अलर्ट करे। तो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। मैं समझाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टाइप एलटीपी वैलिडिटी जीटीटी और एड नोट। यहाँ पर देखिए आप कुछ भी नोट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और नीचे सेट अलर्ट का बटन है, इस पर टैप कर दीजिए तो अलर्ट सेट हो जाएगा। मैं बैक ले चलता हूँ आपको। दोस्तों एक और तरीका है जिससे आप खरीद और बेच सकते हैं, आप स्वाइप राइट करेंगे कोई भी शेयर को तो यहाँ पर देखिए बाय का ऑप्शन आ जाएगा और सीधे आप यहाँ से ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी सेट कर सीधे रिव्यू ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह आप स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो सेल का ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो इस तरह दोस्तों आप स्वाइप राइट और लेफ्ट करके बाय और सेल कर सकते हैं शेयर को। तो दोस्तों ये था वॉच लिस्ट और शेयर से जुड़े फीचर। उसके बाद मेन्यू में अगला ऑप्शन है ऑर्डर्स का, इस पर मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए ऑर्डर्स में मेन्यू है, पहला बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑल है, सेकंड है ओपन, थर्ड है क्लोज्ड। ऑल में जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं चाहे वो ओपन है चाहे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं सक्सेसफुली यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं, वो ऑल में आपको मिलेंगे। ओपन में जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो यहाँ पर दिखाएंगे। क्लोज्ड में जितने ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखाएंगे, या फिर किसी वजह से फेल हो गए हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है मेन्यू में पोर्टफोलियो का, इस पे ले चलता हूँ। जैसे ही आप टैप करेंगे जो भी आपकी करंट पोजीशन है पोजीशंस में दिखाएगी, यानी कि जो भी आपने आज शेयर खरीदा है वो आपको यहाँ पे पोजीशंस में लिस्ट करने लगेगी। होल्डिंग्स में ले चलता हूँ। होल्डिंग्स में जो भी आपने होल्ड कर रखा है शेयर, यानी कि जो भी शेयर आपने डिलीवरी में ले रखा है, वो सारे शेयर्स आपको यहाँ पर लिस्ट करने लगेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कैसे खरीदना बेचना है, आप उस तरीके से खरीद और बेच सकते हैं यहाँ से शेयर्स को। टैप कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर आपको मेन्यू आ जाएगा, यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं। नीचे डिटेल्स है, चार्ट्स है, अलर्ट्स है, वॉच लिस्ट है, तो यहाँ से भी आप सारी चीजें सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है मेन्यू में फंड्स का, इस पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी अवेलेबल टू ट्रेड जितना भी अमाउंट है वो दिखा रहा है, कितने फंड यूज हो चुके हैं वो यहाँ पर अभी दिखा रहा है और कितना टोटल फंड है यहाँ पर दिखा रहा है। उसके नीचे पेमेंट हिस्ट्री है। तो दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री में दो मेन्यू है, पहला है डिपॉजिट और दूसरा है विड्रॉ। डिपॉजिट में आपने जो भी डिपॉजिट किया है वो उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं और विड्रॉ पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो विड्रॉ में आपने जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा और स्टेटस भी दिखाएगा प्रोसेस्ड करके, अगर सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुका है तो। मैं बैक ले चलता हूँ आपको और उसके नीचे विड्रॉ फंड्स का ऑप्शन है और ऐड फंड्स का ऑप्शन है। अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं आप स्टॉक से तो विड्रॉ के बटन पर टैप करिए। यहाँ पर देखिए राइट साइड में कितना अमाउंट अवेलेबल है विड्रॉ करने के लिए वो यहाँ पर दिखा रहा है और कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं इस अवेलेबल अमाउंट में से तो वो आपको यहाँ एंटर करना होगा, विड्रॉ फंड्स के बटन पर टैप करना होगा। इस पर अलग से वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं आपको बैक ले चलता हूँ यहाँ से। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है ऐड फंड्स का, इस पर हम टैप करते हैं। जो भी आप फंड्स ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऐड फंड के ऑप्शन से। यहाँ आप अमाउंट लिख दीजिए कितना आप अपस्टॉक्स में फंड ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी बैंक आपने ऐड किया वो सिलेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड है जिसमें स्मार्ट ट्रांसफर है, जीपे है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन से आप फंड्स को ऐड करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू पे टैप कर देंगे फंड्स को ऐड करने के लिए। मैं आपको यहाँ से बैक ले चलता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों अपस्टॉक्स में आखिरी ऑप्शन है मेन्यू में इन्वेस्ट का, इस पर टैप करता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप डिजिटल गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं, गोल्ड पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जो भी आईपीओ चल रहे हैं, जो भी आईपीओ आए हुए हैं वो उन आईपीओस को यहाँ से देख सकते हैं और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी माय एप्लीकेशन से देख सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, यहाँ से सारे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स का आपने जो भी खरीद रखा है उसकी पोर्टफोलियो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपस्टॉक्स ऐप कैसे यूज करते हैं और कैसे आप इसमें वॉच लिस्ट बनाते हैं, स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, अलर्ट सेट करते हैं, किस तरह आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, फंड को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।